हे गाइस, वेलकम बैक टू आर न्यू वीडियो। एंड आज हमारे सामने खड़ी है लॉर्ड अल्टो K10। सो दोस्तों, ये है इंडिया की मोस्ट सेलिंग कार। यानी दोस्तों, अगर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो दोस्तों ये आपकी पहली कार होगी। कभी ना कभी आपने उस कार को लिया होगा जो उसके पुराने वेरिएंट आते थे। सो फिलहाल दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं 2024 का लॉर्ड अल्टो K10। एंड दोस्तों, अगर वेरिएंट की बात करें तो ये है आपका VXI प्लस वेरिएंट, जो कि आपका मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है। इसी में दोस्तों आपको CNG ऑप्शन भी देखने को मिलता है, प्लस बात करें तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी अब आपको अल्टो में देखने के लिए मिल जाता है। सो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, इसका एक्स शोरूम प्राइस, ऑन रोड प्राइस एंड इसमें आपको कितनी माइलेज देखने को मिल जाता है, कौन सा इसमें आपको इंजन देखने को मिलेगा, यानी तमाम सारे फीचर मैं आप बताऊंगा आपको आज की इस वीडियो में। तो पहले हम बात करेंगे इसके शोरूम प्राइस की। तो आपको 5,35,000 रुपये इसका एक्स शोरूम प्राइस एंड ऑन रोड प्राइस की बात करें तो ऑलमोस्ट 6,10,000 रुपये की आपको कार देखने को मिल जाती है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। सो दोस्तों, इस कार से रिलेटेड कोई भी बुकिंग या क्वेरी आपको करनी है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं निकुंज मोटर ग्वालियर को, जो कि आपका लोकेटेड है गोले के मंदिर चौराहे पे, ठीक है। एंड आपको इस कार में अच्छा खासा डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले फ्रंट की बात करें तो दोस्तों काफ़ी मतलब कॉम्पैक्ट सी आपको कार देखने को मिल जाती है। सिटी पर्पस के लिए दोस्तों ये कार काफ़ी शानदार है, काफ़ी कॉम्पैक्ट एंड काफ़ी छोटी आपको कार देखने को मिलती है। लाइट सेटअप की बात करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पर आपको हैलोजन बल्ब के साथ इसका लाइट सेटअप देखने को मिल जाता है। टर्न इंडिकेटर की बात करें वो भी आपको हैलोजन बेस्ड मिलेगा, कोई भी आपको फॉग लैम्प का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। कुछ इस टाइप से इसकी फ्रंट प्रोफाइल एंड ग्रिल की बात करें तो काफ़ी बड़े साइज़ की आपको दोस्तों उसमें ग्रिल देखने को मिल जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस लगभग मान के चलो तो आपको 170 mm या ऑलमोस्ट 165 mm का इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा। बीच में आपको मिलता है सुजुकी का लोगो। अब बात करेंगे वाइपर की तो आपको डबल वाइपर देखने को मिल जाते हैं। ऑटो रेन सेंसिंग तो नहीं है बट डबल वाइपर आपको देखने को मिलते हैं, कॉस्ट कटिंग नहीं हुई इस बार। एंड ओवरऑल साइड प्रोफाइल कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलती है इस कार की, जो कि बहुत ही शानदार लगती है। एंड टायर साइज़ की बात करेंगे तो आपको उसमें जो टायर साइज़ मिल जाते हैं वो आपको मिलेंगे 145/80R13 का स्टील व्हील रिम के साथ। फ्रंट में डिस्प्ले कंपनी ऑफर करती है, कुछ स्टेप से टायर प्रोफाइल है। साइड फेंडर में आपको मिल जाते हैं टर्न इंडिकेटर। एंड साइड मिरर की बात करें तो आपको मैट ब्लैक कलर में मिल जाते हैं। एंड ये आपके ऑटो फोल्डेबल नहीं है ना, एंड इसकी बात करें तो आप इन्हें अंदर से एडजस्ट नहीं कर सकते, यहाँ स्टिक के थ्रू से आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बात करेंगे रियर टायर में तो आपको नॉर्मल ड्रम ब्रेक कंपनी ऑफर करती है, साथ ही दिखने में काफ़ी अच्छी है। बैक प्रोफाइल की बात करें तो ये देखिए इसकी बैक प्रोफाइल आपके सामने है दोस्तों, देखिए कुछ स्टेप से मिलता है। वाइपर डिफॉगर कुछ नहीं मिलेगा, हाई माउंट स्टॉप लाइट आपको जरूर देखने को मिलती है। बीच में सुजुकी का लोगो मिलेगा, की लगाने का स्पेस बूट ओपन करने के लिए। एंड यहाँ आपको ऑल्टो K10 की बैजिंग, यहाँ लिखना चाहिए था लॉर्ड ऑल्टो K10 की बैजिंग, ये कार इसी नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है। साथ ही अगर हम बात करेंगे इसके टेल लाइट यूनिट की तो प्योर आपको हैलोजन बल्ब के साथ टेल लाइट यूनिट देखने को मिलती है। फ्यूल लीड आपको यहाँ मिलता है। एंड कैपेसिटी की बात करें तो दोस्तों इसमें आपको लगभग 30 से 35 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी। नंबर प्लेट की आपको पोजीशन मिलती है एंड लोअर बम्पर आपको मिलता है बॉडी कलर। तो चलिए अब खोलते हैं इसका बूट एंड यहाँ की लगाते हैं। कुछ इस टाइप से आपका बूट होगा ओपन, ठीक है। कोई भी ग्रैब हैंडल्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, यहाँ पर आपको अच्छी क्वालिटी देखने को मिल जाती है। बाकी देखिए पार्सल ट्रे भी आपको मिलती है, छोटी साइज़ की है बट आपको पार्सल ट्रे मिल जाएगी। बाकी ये है इसका बूट स्पेस, अराउंड एंड अराउंड आपको 250 लीटर का करीब बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। जो भी इसका कंफर्म बूट स्पेस होगा दोस्तों मैं आपको मेंशन कर दूंगा, ठीक। एंड बूट स्पेस भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है, एक दो बैग तो आपके मतलब छोटे मोटे बैग तो ईजिली आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। स्टेपनी व्हील की बात करेंगे तो उसको ऊपर करते हैं तो देखिए 145/80R13 का स्टील व्हील रिम के साथ टायर साइज आपको देखने को मिल जाएगा, यानी सेम आपको टायर साइज देखने को मिलता है। चलिए इतना कुछ मिलता है आपको इसके बूट में, अब करते हैं इसके बूट को बंद। एंड की बात करें तो देखिए आपको कुछ इस टाइप की मिलती है, दोनों की दोनों, एक आपको नॉर्मल की, दूसरी आपको रिमोट सेंटर लॉकिंग के साथ की देखने को मिल जाएगी। ड्राइवर साइड डोर की बात करेंगे तो देखिए आपको कुछ स्टेप्स मिलते हैं, डोर ओपनर या डोर हैंडल्स एंड की लगाने का स्पेस है। डोर पैनल आपके सामने है जो कि आपका दोस्तों ब्लैक कलर का है एंड हार्ड प्लास्टिक का यूज़ देखने को मिलता है। डोर ओपनर मिलता है, ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं। यहाँ पर बात करते हो स्पीकर की प्लेसमेंट आपको देखने को मिलेगी, प्लस बोतल स्पेस आपको जरूर मिल जाएगा। सीट हाइट नहीं मिलती इस वेरियंट में। एंड सीट की बात करें तो आपको फैब्रिक अपुष्टि के साथ ड्यूअल टोन की सीट्स देखने को मिलेंगी, काफ़ी शानदार लगती है। एंड ये रहेगा आपका मैनुअल वेरिएंट। बाकी कुछ इस टाइप से मिलने वाला आपको इस कार का इंटीरियर, एक बार चलते हैं कार के अंदर एंड वहीं बैठ के सारी बात करते हैं। सो दोस्तों, ये है आपकी लॉर्ड ऑल्टो K10 VXI प्लस का इंटीरियर, ठीक है। काफ़ी शानदार है, ब्लैक कलर का आपको देखने को मिलता है। बहुत बजट सेगमेंट की दोस्तों ये कार है, मिडिल क्लास फैमिली के लिए इस कार को तैयार किया गया है। एंड
बहुत शानदार है, सबकी फेवरेट कार है दोस्तों। बाकी पहाड़ों की रानी कहते हैं इस कार को, ठीक है, ऐसे ही इसको लॉर्ड अल्टो नहीं कहा जाता। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो आपको देखिए राउंड शेप का मिल जाता है। यहाँ पर बात करें लेफ्ट साइड तो आपको टेलीफोनिक कंट्रोल यानी मोड्स कंट्रोल देखने को मिलते हैं, म्यूट करने का, यहाँ आपको कॉल कट कॉल पिकअप का ऑप्शन प्लस वॉइस कमांड। एंड दोस्तों राइट साइड आपको कोई भी क्रूज कंट्रोल देखने को नहीं मिलता। स्टीयरिंग की बात करें तो दोस्तों ये आपका फिक्स्ड है। बाकी यहाँ आपको लाइट्स के कंट्रोल मिलते हैं, वाइपर के कंट्रोल, एंड ये है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि आपका डिजिटल आने लग गया है। बीच में आपको डिस्प्ले मिलती है जिसमें आपको फ्यूल गेज मीटर शो करता है, गाड़ी कितनी चल चुकी है, एंड स्पीडोमीटर की बात करें तो वो भी आपको प्योर डिजिटल मिल जाएगा। तो इतना ही कुछ मिलता है इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। ऊपर आपको हार्ड प्लास्टिक का यूज़ मिलेगा एज इट इज़। एसी वेंट की प्लेसमेंट है। एंड ये देखिए भाई साहब, लॉर्ड अल्टो में आपको दोस्तों 7 इंच की टच स्क्रीन देखने को मिलती है जो कि आपका सपोर्ट करेगी एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले। बहुत ही शानदार इस गाड़ी में आपको मिल जाते हैं 2 एयरबैग। एंड यहाँ बात करें तो आपको पावर विंडो के कंट्रोल्स मिलते हैं फ्रंट के दोनों, हजार्ड का बटन है, मैनुअल एसी आपको देखने को मिलेगा नीचे, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट। साथ बात करें यूएसबी एंड ऑक्स की प्लेसमेंट, थोड़ा सा स्पेस मिलता है, साथ ही 2 कप ग्लास होल्डर। एंड ये रहेगा आपका 5 स्पीड मैनुअल वेरियंट, मैनुअल हैंड ब्रेक। सीट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी दोस्तों। ग्लव बॉक्स की बात करें इतने बड़े साइज का मिल जाएगा। रियर व्यू मिरर यहाँ से आप इसको मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। कैबिन लाइट हैलोजन बल्ब के साथ है। वैनिटी मिरर देखिए इस बार क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, यहाँ भी आपको क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। साथ ही बात करें तो आपको फिक्स ग्रैब हैंडल्स देखने को मिलेंगे। एंड इस लॉर्ड अल्टो VXI में आपको 4 स्पीकर का सेट दोस्तों देखने को मिल जाएगा। सो ओवरऑल आपको कैसा लग रहा है इस कार का इंटीरियर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सो ये है इसका पीछे वाले डोर पैनल एंड डोर ट्रिम कुछ स्टेप से मिलता है। देखिए पीछे आपको ना कुछ स्टेप से एडजस्ट करना पड़ेगा इसको, इसके विंडो को डाउन रोला पैनल रोल डाउन करने के लिए। बाकी आपको मिलते हैं डोर है ओपनर, ग्रैब हैंडल्स एंड स्पीकर की प्लेसमेंट प्लस चाइल्ड लॉक। इंटीरियर आपके सामने है दोस्तों, बेंच टाइप की आपको सीट मिल जाएगी। एक बार कार के अंदर बैठते हैं। ये देखिए अभी बैठ चुके हैं कार के अंदर, डैशबोर्ड का व्यू बहुत ही शानदार आने वाला है। नी रूम दोस्तों सीट मेरे हिसाब से एडजस्ट है, काफ़ी अच्छा है। थाई सपोर्ट आपको थोड़ा कम मिलेगा क्योंकि बजट सेगमेंट की कार है एंड थोड़ी छोटी है, तो उसमें आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा थाई सपोर्ट के लिए। बाकी माइलेज में आपको किसी भी टाइप का एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा, गजब की माइलेज आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ बात करें तो आपको फिक्स्ड ये आपको सीट बेल्ट देखने को मिल जाता है, ना आप एडजस्ट वगैरह नहीं कर सकते। एंड अब हम बात करेंगे इसके अगर सीट की, तो आपको बेंच टाइप की सीट मिलती है जिसमें हेडरेस्ट मिलते हैं जो फिक्स्ड है दोस्तों, आपको एडजस्ट नहीं कर पाओगे। पीछे आपको पार्सल ट्रे जरूर मिलेगी एंड सीट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। 2 बड़े लोग एंड एक छोटा सा बच्चा इसमें ईजिली बैठ जाएगा। बाकी ओवरऑल कुछ इस टाइप से इंटीरियर मिलता है। कैबिन लाइट की बात करें तो सिर्फ आपको आगे ही देखने के लिए मिल जाएगी। सो इस टाइप से मिलता है इस कार का इंटीरियर। आपको दोस्तों कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस लॉर्ड अल्टो K10 VXI प्लस में आपको जो इंजन मिलेगा वो आपको मिलता है 1 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। एंड लेआउट कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा गंदा है दोस्तों उसको छोड़ दिएगा, बाकी कुछ इस टाइप से आपको इसका लेआउट मिल जाएगा। एंड अगर पावर फिगर की बात करें 65 BHP एंड लगभग 89 Nm का टॉर्क ये कार आपको जनरेट करके देती है। बाकी बोनेट में आपको इंस्ट्रक्शन देखने को नहीं मिलता, काफ़ी कॉम्पैक्ट दोस्तों ये आपको इंजन देखने को मिल जाएगा। इस लॉर्ड अल्टो K10 यानी VXI प्लस का जो एवरेज है पेट्रोल में, सिटी में आप करोगे 17 से 18 का एवरेज, एंड हाईवे की बात करें तो 24+ KMPL का दोस्तों आपको एवरेज निकाल के देती है अगर 4 बंदे बैठ के जाते हैं। यानी ये बाइक के दाम पे चलती है दोस्तों, ये कार बहुत ही प्यारी आपको देखने को मिल जाती है K10। सो दोस्तों ये आपकी ऑल्टो K10 VXI प्लस का कंप्लीट वॉक अराउंड एंड एक्सोरूम प्राइस की बात करें तो 5,35,000 में मात्र इसका एक्सोरूम प्राइस है। सो अगर आपको इस कार से रिलेटेड कोई भी बुकिंग, क्वारी, टेस्ट ड्राइव कुछ भी करना हो तो आप दोस्तों कॉन्टेक्ट कर सकते हैं निकुंज मोटर्स ग्वालियर को। लोकेशन बता दूंगा कि गोले के मंदिर चौराहे पे ये शोरूम लोकेटेड है, एंड शोरूम की कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड जुड़े रहे हमारे साथ ऐसी और नई कार की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।